व्हाट्स अप गाइस, दिस इज कैलाश। तो आज एक और ब्लॉग के साथ हम फिर से आ चुके हैं। तो आज हम जाने वाले हैं कहाँ कहाँ जाएंगे हम? ए फ्यू मोमेंट्स लेटर, टेकरी। तो दोस्तों आज हम जाने वाले हैं टेकरी। मैं हूँ अभी फिलहाल देवास में। तो आज मैं आशीष भाई के साथ मैं जाऊंगा टेकरी। तो चलिए सीधा ले चलते हैं वहीं रास्ते में। अभी हम जाएंगे, यहाँ से घर से निकलेंगे और जाएंगे सीधे टेकरी के लिए। तो फिलहाल कुछ दोस्त और हैं जिनको साथ में लेंगे और फिर चलते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं देवों की नगरी देवास की सड़कों पर और आप देख सकते हो सुहाना सा मौसम है। सार बहुत ठंडी हवाएं चल रही हैं और साथ में हम मित्रों के साथ हम जा रहे हैं टेकरी माँ चामुंडा मंदिर माता के दर्शन करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो जो आपको सामने जो पहाड़ी दिख रही है उस पहाड़ी पर है माँ चामुंडा माता का मंदिर। तो हम उस मंदिर को आपको दर्शन कराएंगे, वहाँ पर आपको दिखाएंगे। और जब आप उस पहाड़ी पर जाते हो तो वहाँ से देवास का नज़ारा देखने का एक अलग ही मज़ा है। आप देखेंगे कितना शानदार नज़ारा है इस पहाड़ी पर। हम बहुत ही जल्दी आपको ले चलते हैं। दोस्तों ऊपर जाने के लिए दो रास्ते यहाँ पर आप देख सकते हो। मैं जा रहा हूँ यह कुमार गांधर्व द्वार से। तो दोस्तों हम पहुंच गए पार्किंग। यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप अपनी बाइक को पार्क कर सकते हो। और यहाँ पर जो आपने पीछे देखा वो था परिक्रमा कर, ये है हमारे सामने द्वार जिसके अंदर हम यहाँ पर जाने वाले हैं। यहाँ से हम सीधे जाएंगे ऊपर। यहाँ ये है पैदल मार्ग है, यहाँ पर आपको सीढ़ियाँ नहीं मिलेंगी, यहाँ पर आपको सीढ़ी नहीं चढ़नी पड़ेगी इस मार्ग से। तो हम आए हैं इसी मार्ग से। यहाँ पर आप देख सकते हो ये सारी पार्किंग है और अब हम सीधा चले जाते हैं अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये पूरा चढ़ाव है, यहाँ से आपको ऊपर की ओर चलते जाना है। जैसे आप ऊपर चलते जाओगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत कुछ, यहाँ पर बहुत ही शानदार लोकेशन है। आप देख पा रहे होगे सारे कुछ लोग यहाँ पर दर्शनार्थी यहाँ पर लौटते हुए आ रहे हैं और हम लोग ऊपर की ओर चलते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो चारों ओर हरियाली है, कितनी शानदार यहाँ पर हरियाली आपको देखने को मिल जाती है। फाइनली दोस्तों अब हम आ गए हैं टेकरी पर। अभी रास्ता बाकी है अगर ऊपर जाने वाले, लेकिन आज हमारे साथ हैं भाई रोहित और अभिषेक भाई का, तुम अरे सॉरी आशीष भैया हमारे, हम पहले ही बता चुके हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग की क्वालिटी थोड़ी डाउन हो सकती है बिकॉज माइक हमारे पास है नहीं। हम जस्ट ऐसे ही घूमने आए थे तो हमने सोचा कि यहाँ पर भी आपको ब्लॉग में दिखा दें, क्योंकि ये जगह बहुत बढ़िया है। अगर आप आते हैं फ्रेंड लोग के साथ तो आपको मैं रास्ते में चलते चलते सब बता दूंगा। दोस्तों ब्लॉग बनाने का मन तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि पता है आपको पार्टनर हमारे सौरभ भाई आज ब्लॉग में साथ में नहीं है, लेकिन फिर भी सौरभ भाई ने बोला कि वीडियो बना लो क्योंकि आज संडे है और आपको पता है हर संडे हमारा ब्लॉग आ ही जाता है। तो इस बार हम सोच रहे थे चलो ठीक है ब्लॉग बना लेते हैं आज, तो शायद थोड़ी लो क्वालिटी मिल सकती है, उतनी परफेक्टली ब्लॉग तो हम आपको नहीं दे पाएंगे। आशीष भैया जोर से बोलो माता दी। रास्ते में चलते चलते, हालांकि अभी हमें बहुत कैपेसिटी है, अभी हम थके बिल्कुल नहीं है। हांफते हुए भले ही लग रहे हैं लेकिन थके नहीं है। फाइनली हम लगभग से पहुंच गए हैं, पर यहाँ लेकिन यहाँ का नजारा देखो, यहाँ से पूरी देवास सिटी आप आसानी से देख सकते हो। अगर आप कहीं कोई देवास का सब्सक्राइबर है तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना आपका घर दिख रहा है क्या। क्यों आशीष भैया तुम्हारा घर कहाँ है? दिख रहा रोहित भाई मिला क्या घर? वो है कहाँ है, जूम करे क्या? नहीं नहीं जूम में नहीं आएगा। ये कहाँ है, ये कहाँ है? थके नहीं है। तो फाइनली दोस्तों हम पहुंच गए। हम दिखाते हैं आपको फ्रंट का, मतलब बैक साइड से करके दिखाते हैं व्यू। यहाँ पे आप देख सकते हो इतनी सारी ढलान हम चढ़ के आ चुके हैं।
यहाँ से आप चारों तरफ का नज़ारा देख सकते हो दोस्तों, बहुत ही शानदार नज़ारा है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये हमारा मंदिर है। यहाँ से आप चारों ओर यहाँ पर देखोगे आपको दर्शनार्थियों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ से आप देख सकते हो चारों ओर आसमान ही आसमान यहाँ पर दिखाई देता है। हम इतनी ऊंचाई पर आ चुके हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो इस रास्ते से हम यहाँ पर आए थे और अभी हम आपको ले चलते हैं आगे। यहाँ पर आप देखिएगा आसमान से, आप जब यहाँ से देवा सिटी देखेंगे आप, तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि कितनी ऊंचाई पे हम यहाँ पर अभी आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो सभी लोग ये कितने शानदार, ये हमारे आशीष भाई रोहित भाई के साथ यहाँ पर आप देख सकते हो कितना गजब लोकेशन है। यहाँ पर आप देख सकते हो देवा सिटी बहुत ही छोटी सी यहाँ पर दिखाई देती है। अगर आप इतनी ऊंचाई पर वो पैदल नहीं आना चाहते तो यहाँ पर आप रोपवे की मदद से भी यहाँ पर आ सकते हो। आपको नीचे रोपवे की टिकट कटानी होगी, वो रास्ता अलग है। आप वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर टिकट कटा के आप वापस यहाँ पर ऊपर आ सकते हो रोपवे की मदद से। माता रानी के दर्शन के लिए हम यहाँ पर आगे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर आपको दो अलग अलग रूप लाइनें मिल जाती हैं, एक लाइन होती है महिलाओं के लिए, एक लाइन होती है पुरुषों के लिए। तो यहाँ पर हम यहाँ पर पुरुष वाली लाइन में यहाँ पर चलते जा रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे कि आगे सीढ़ियाँ में चढ़ते ही आपको माता रानी के यहाँ पर दर्शन हो जाएंगे। यहाँ पर लगभग से हम यहाँ पर पहुँच गए, आप देख सकते हो वहाँ तक हमें पहुँचना है और वहाँ पर माता रानी के हमें दर्शन हो जाएंगे। वहाँ से भी आप अगर नज़ारा देखोगे तो देवास का नज़ारा बहुत ही शानदार होता है। तो अब हम माता रानी के पास तक पहुँच गए हैं, तो अब कृपया कर आप लोग दर्शन करें। कुछ भी कहिए दोस्तों, मगर माता रानी के दर्शन पाने के बाद मन एकदम प्रसन्न हो जाता है और एकदम शांति की अनुभूति होती है, तो जिसकी कोई सराहनाएं नहीं की जा सकती। यहाँ पर आप देख सकते हो देवास सिटी कितनी शानदार यहाँ पर नज़र आ रही है। यहाँ से जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है यहाँ पर लाइटें जलती जा रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा है ये। यहाँ पर सारे भक्तगण यहाँ पर माता रानी से प्रार्थना करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। माँ तुलजा भवानी के दर्शन करने के बाद अब हम निकल चले हैं माँ चामुंडा के दर्शन करने। तो आशीष भाई हमें ले जा रहे हैं माँ चामुंडा के दर्शन कराने, तो यहाँ पर हम उनके पीछे पीछे यहाँ पर आपको चलते हुए यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना शानदार नज़ारा यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो चलिए अब हम आज चलते हैं सीधे माँ चामुंडा की दर्शन करने हेतु। अगर आप आते आते थक जाते तो यहाँ पर सोने की पूर्ण व्यवस्था की गई है। क्यों आते भैया? बैठने की फुल व्यवस्था है, साथ साथ आप सो भी सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं चौथ कितना बढ़िया बनाया हुआ है। तो अब हमारे सामने है माँ चामुंडा देवी का मंदिर। यहाँ पर आप देख सकते हो कितने श्रद्धालु यहाँ पर भक्तगण यहाँ पर माता के दर्शन करने हेतु ऊपर की ओर जा रहे हैं। चलिए हम आपको भी ले चलते हैं और वहाँ पर माता के दर्शन हम आपको कराते हैं।
बड़ी बेसब्री से इंतजार था जो, अरे अभी तक आपने 3 बंदर देखे होंगे मगर यहाँ पर आपको 4 मिल रहे हैं। यहाँ पर पहले बंदर बुरा मत देखिए, दूसरे बंदर बुरा मत बोले, तीसरे बंदर बुरा मत सुने और चौथा बंदर बुरा मत सोचे। एक और हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर बात करेंगे इनसे, पांचवा बंदर बिठाने की, मोबाइल हाथ में लेके बैठे होंगे। बुरा यहाँ पर हमने 4 बंदर भी देखे। खत्म नहीं होते हमारे बंदर, अभी 3 बंदर और आगे भी मिलेंगे। और कितना चलना है? बस कुछ ही और। हम चलते चलते थके नहीं है, थकने का ना सोचे, हम थके नहीं है, मगर हाँ अभी पैर भी दर्द नहीं कर रहे हमारे। अरे यार साहू जी अगर होते तो मजा आ जाता। तो दोस्तों ये था हमारा ब्लॉग, अगर ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ब्लॉग को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।